तो पहले हम इन टॉपिक्स को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं और फिर इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन है आ, वो भी डिस्कस कर लेंगे इससे आपको आइडिया हो जाएगा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आ सकता है राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है टेक्सोनमी टेक्सोनमी बेसिकली क्या है इट इज द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पीशीज हैं वो क्या हुई हैं डिस्कवर्ड हुई हैं और हर साल अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन जो हैं न्यू स्पीशीज क्या हो रही हैं डिस्कवर्ड हो रही हैं तो यानी कि जो डिस्कवर्ड हुई हैं या जो डिस्कवर्ड हो रही हैं वी नीड टू आइडेंटिफाई देम क्लासिफाई देम एंड नेमिंग देम राइट तो इस इन सब से डील करता है में। सिंपल है इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं फर्स्ट स्टेप है डिस्क्रिप्शन Suppose की कोई न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें हम उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको स्टडी करेंगे ज, जब हम उसको स्टडी कर लेंगे उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिला है वो जो नॉन ग्रुप है या जो नॉन कैटेगरीज हैं उसमें किस कैटेगरी या किस ग्रुप से वो मैच करता है राइट एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया देन अब जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको प्लेस करना करनाट कैटेगरी में या प्रॉपर कैटेगरी में या करेक्ट uh, कैटेगरी में वो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन करने के बाद यानी कि आफ्टर प्लेसिंग द इन इन अ अ प्रॉपर कैटेगरी राइट कैटेगरी देन साइंटिफिक नेम इज गिवन टू द राइट दिस इज अमन क्लेचर तो ये जो स्टेप्स हैं यानी ये जो प्रोसीजर है ये डील करना यानी ये जो पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है कि पहले उसको डिस्क्राइब uh, करना फिर उसको आइडेंटिफाई करना फिर उसको क्लासिफिट आइडेंटिफाई करना और फिर उसको नेम देना ये सारा का सारा जो डील करता है वो टेक्जोनमी ब्रांच डील करती है राइट जो सिस्टमैटिक्स है सिस्टमैटिक्स बेसिकली डील करती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे राइट एवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ये देख ये सिस्टमैटिक का काम है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लास एम्फीबिन, एम्फीबिया सॉरी क्लास लेते हैं एम्फीबिया देन हम एक और क्लास लेते हैं देन क्लास लेते हैं हम एफ एंड मैम राइट right? तो अब सिस्टमैटिक किससे डील सिस्टमैटिक डील कर रहा है बेसिकली एवोल्यूशनर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स राइट ऐसा माना जाता है कि जो रेप्टाइल्स हैं, वो बेसिकली इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियन से कुछ एम्फीबियन तो एम्फीबियन ही रह गए और कुछ इवॉल्व हो गए किसमें रेप्टाइल्स में ठीक है ऐसे ही कुछ जो एव्स है यानी कि जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली जो इवॉल्व हुए हैं वो हुए हैं रेपिटाइल से कुछ तो रेपिटाइल से रह गए और कुछ इवॉल्ड हो गए में, में, में यानी एव्स बदल गए। इसका हमें एग्जाम्पल भी मिला आर्कैपटिक्स उसमें हाफ कैरेक्टर्स रेपिटाइल के थे और हाफ कैरेक्टर्स बर्ड के थे राइट तो यानी कि उसके जो फॉसिल्स मिले हैं उससे साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया है कि जो एव्स हैं जो बर्ड्स हैं वो रेपिटाइल से ही इवॉल्व हुई हैं ऐसे ही मैमल आपको पता होगा कि जो रेपिटाइल है उसका ऑर्डर है थेरापसिट्स जो कि मेंबर है सब क्लास स्नैपसिडा का स्नैपसिडा को मैमल लाइक -like रेपिटाइल भी बोला जाता है तो इसको इसीलिए जो मैमल्स हैं वो भी रेपिटाइल से ही इवॉल्व हुए हैं यानी कि अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की तो जो सिस्टमैटिक है बेसिकली वो डील कर रहा है कि क्या ये जो कैटेगरीज हैं और इसके 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 अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्लेसड हैं, वो उनके बीच में कुछ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या नहीं इस चीज को डील इससे डील करता है सिस्टेमेटिक, राइट आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिस्टमैटिक किस चीज से डील कर रहा है यानी कि सिस्टमैटिक बेसिकली थोड़ा ब्रॉडर वर्जन है टेक्जोनॉमिक का राइट right? अब हम बात करते हैं कैटेगरी की ठीक है अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट है यानी मिलियंस ऑफ प्लांट्स मिलियंस ऑफ एनिमल्स यानी कि वाइड रेंज प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ पे तो हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है तो एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने से बेटर है कि हम जो सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में रख दे राइट और फिर उस ग्रुप को स्टडी कर ले तो वो ज्यादा ईजी है और और हम उसको ऑर्गेनिजम्स को या उस ग्रुप को ईजिली स्टडी भी कर सकते हैं और इजिली उसको समझ भी सकते हैं राइट

टू right? किंग्रॉम अगर लोएस्ट रैंक टू हाइस्ट यानी कि अगर इस तरीके से हम चल रहे हैं यानी असेंडिंग या ऑर्डर में हम चल रहे हैं से हम बड़े से छोटे से सॉरी बड़े की तरफ जा रहे हैं तो जो आ, सिमिलर कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे वो होंगे डिक्रीज और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये क्या होंगे इंक्रीज ठीक है यानी कि अगर हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं दिस ये जो सीक्वेंस है ये है असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे सिमिलर uh, कैरेक्टर तो डिक्रीज होगा बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम बढ़ते चले जाएंगे उल्टा होगा अब अगर इस इसमें अगर इसका सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर होगा यानी कि हाईएस्ट टू लोएस्ट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में हम चल रहे हैं तो number of organisms, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे डिक्रीज होंगे और जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं या सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे इंक्रीज होंगे राइट right? अपोजिट है अगर तो छोटे रैंक से हम बड़े रैंक की तरफ जा रहे हैं तो कैरेक्टर डिक्रीज होंगे लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ही अगर हम बड़े से बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होंगे इंक्रीज होंगे और लेकिन ऑर्गेनिजम्स के जो नंबर है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे राइट वेरियस वेरियस ग्रुप ग्रुप होना लेवल रैंकिंग ठीक है क्लासीफिकेशन uh, में ये टेक्सोनोमी कैटेगरी है सो कैटेगरी बेसिकली एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की राइट अः विच इज ऑल्सो कॉल्ड या ठीक ठीक है? है? है है? के के एक तौर पे समझते हैं. Is a assigned to a category. देखते हैं क्या क्या देखते राइट क्लास एज तो जो क्लास है वो बेसिकली कैटेगरी है राइट right? वो यूनिट है क्लासिफिकेशन की और जो एज है वो टेक्जोन है राइट right? तो जो क्लास है वो कैटेगरी है एज़ टैक्सोन है फाइलम कैटेगरी है पॉरीफेरा टैक्सोन है तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि जो कैटेगरी है वो बेसिकली यूनिट है क्लासिफिकेशन की और जो टैक्सोन है वो असाइंड है टैक्सोन इज असाइंड टू अ कैटेगरी राइट तो आई होप कि आपको टैक्सोनमी सिस्टमैटिक टैक्सोनमिक कैटेगरी अच्छे से समझ में आ गई होगी टेक्सोनोमी बेसिकली है जो आइडेंटिफाई हैं क्लासिफाइड हुए हैं है, है, जिनका नेम साइंटिफिक uh, नेम रखा गया है यानी उनके बीच में कोई एवोल्यूशन रिलेशनशिप है या नहीं उससे डील कर रहा है सिस्टमैटिक राइट right? और टेक्जोनमी कैटेगरी बेसिकली जो uh, uh, जो ऑर्गेनिजम्स टेक्सोनमी कैटेगरी सिंपल है इसमें कुछ नहीं है कि कैटेगरी uh, को एक एक क्लासिफिकेशन को एक डेफिनेट सीक्वेंस में रखना इधर टेक्सोनमिक कैटेगरी या यूं कह रहे हो टेक्सोनमिक है राइट right? उन्हें इन्हें हैरारकी मैनर में रखना उनको क्लासिफाई करना इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर और इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो वो जाएगा कैसे डिसेंडिंग uh, ऑर्डर में कैसे हो किंगडम टू स्पीशीज असेंडिंग ऑर्डर है स्पीशीज टू किंगडम अगर किंगडम टू स्पीशीज की तरफ हम डिसेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में आ रहे हैं तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं बेसिकली वो क्या होंगे इंक्रीज uh, होंगे लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गैनज डिक्रीज होते जाएंगे असेंडिंग सीक्वेंस में अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होंगे डिक्रीज होंगे और बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे इंक्रीज होते चले जाएंगे राइट right? तो अब इस टॉपिक के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मिनिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली डिवीजन ऑर्डर और जीनस अगर हम बात करें कॉमन कैरेक्टर की राइट right? तो टोमेटो और जो पोटैटो है वो बेसिकली बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी से ठीक है तो यानी कि जो उस उस जो यानी कि उसके जो मैक्सिमम जो कैरेक्टर होंगे कॉमन कैरेक्टर होंगे वो होंगे उसके फैमिली से यानी वो जो पोटैटो है और जो टोमेटो दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं सोलन इसी फैमिली से तो यानी कि जो इसका ऑप्शन है वो है ए इज अ राइट ऑप्शन जीनस रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल ग्रुप और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल या नन ऑफ दीज इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि इंडिविजुअल तो वो है ही नहीं

राइट right. ये क्वेश्चन आ गया है एज वी गो फ्रॉम हायर स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोस ऑन यानी कि स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं यानी सीक्वेंस होगा क्या होगा असेंडिंग तो इसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो क्या होंगे डिक्रीज एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे इंक्रीज राइट right. सो आई होप आपको मेरी इस वीडियो में इस टॉपिक से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहे होंगे या आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा बट फिर भी आपको लगता है कि इस टॉपिक में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया या कुछ रह गया तो आप मुझे आ, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर डाउट आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और मेरा बहुत सपोर्ट करें थैंक यू सो मच